नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन है। वहीं बीजेपी का दिल्ली में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। आपको बता दें कि बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल। ऐसे में क्या वोटर्स के बीच केजरीवाल बनाम मोदी वाला पैगाम कामयाब हो पाएगा? इसका सीधा जवाब है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के वोटर्स को पता है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। सबको मालूम है कि मोदी या अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं करती है, तो केजरीवाल बनाम कौन का सवाल बना ही रहेगा। वहीं दिल्ली चुनाव में बीजेपी काफी जोर जरूर लगा रही है, लेकिन आम धारणा ये है कि जीत आम आदमी पार्टी की होगी और कांग्रेस अभी भी कमजोर है और इस दौड़ में काफी पीछे है। लेकिन अगर केजरीवाल इस दौड़ में आगे निकल जाते हैं तो इसका बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा ना होने के अलावा और भी कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2015 में सत्ता में आने के बाद शुरुआती दौर में केजरीवाल ने काम पर ध्यान कम दिया और पीएम मोदी पर हमले ज्यादा किए। इस दौरान दिल्ली के एलजी के साथ कई बार टकराव की स्थिति भी हुई, लेकिन 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्होंने अपना ट्रैक बदला। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा किया और इसके बाद केजरीवाल ने अपनी सरकार की योजनाओं पर तेज गति से काम करना शुरू किया। झोपड़पट्टियों में लोग इस बात को कबूल करते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है और कच्ची आबादियों में लोग केजरीवाल सरकार की तारीफ करते हैं। वहीं अमीर सोसाइटियों और कोठियों में रहने वाले उनकी आलोचना करते नहीं थकते। इसलिए केजरीवाल की चुनावी मुहिम कच्ची आबादियों और झोपड़पट्टियों में केंद्रित है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क ये है कि नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि देश में इन दिनों दिल्ली से लेकर केरल तक हर जगह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है और अरविंद केजरीवाल का CAA के विरोध प्रदर्शन से गायब रहना क्या उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मुसलमान वोटर्स आप पार्टी से मायूस जरूर हुए थे, लेकिन अब मुसलमान समुदाय के बीच ये धारणा बनी है कि बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल को वोट देना उनकी मजबूरी होगी। बहरहाल देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासी रण में क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। नमस्कार।